आईटीसी लिमिटेड। इंडिया में शायद ही लोग आईटीसी लिमिटेड के बारे में ज़्यादा जानते होंगे, और शायद हम सब ने आईटीसी का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। आईटीसी की प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत डाइवर्स है, और कंपनी होटल, पेपर बोर्ड, पैकेजिंग, आईटी, एग्री बिजनेस और एफएमजी सेक्टर में बिजनेस करती है। कंपनी में टोटल 25 मदर ब्रांड्स हैं जो अलग अलग नाम से इंडिया और दूसरी 90 कंट्रीज़ में बिजनेस करते हैं। आईटीसी लिमिटेड का ईयर 2020 का टोटल रेवेन्यू था 74,979 करोड़ रुपीज़, और वहीं नेट प्रॉफिट था 13,032 करोड़ रुपीज़। लेकिन इन सब की शुरुआत हुई थी आज से 112 साल पहले एक छोटी सी ब्रिटिश टोबैको कंपनी से। आईटीसी लिमिटेड की शुरुआत हुई 24 अगस्त 1910 कलकत्ता, ब्रिटिश इंडिया में इम्पीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से। ये कंपनी ब्रिटिश टोबैको कंपनी WD&HO विल्स की इंडिया में सक्सेसर थी। 1881 में अमेरिकन इन्वेंटर जेम्स एल्बर्ट पोनसेक ने सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग मशीन की इन्वेंशन की, जिसने पूरी दुनिया की टोबैको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बदल दिया, जिसकी वजह से सिगरेट की लार्ज स्केल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करना बहुत आसान हो गया था। क्योंकि सिगरेट के रॉ मटेरियल ज़्यादातर एग्रीकल्चर से आते थे, इसलिए 1911 में उन्होंने सदर्न इंडिया के फार्मर्स के साथ एक टोबैको लीफ ग्रो करने की पार्टनरशिप की। 1912 गुंटूर आंध्र प्रदेश में उन्होंने इंडियन लीफ टोबैको डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को सेटअप किया, जो इम्पीरियल टोबैको कंपनी की ही एक सब्सिडरी थी। इस कंपनी का काम था इंडियन फार्मर्स को टोबैको प्रोडक्शन और दूसरी प्रैक्टिसेस के बारे में समझाना, और टोबैको को सही तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक सप्लाई करना। 1930 बेंगलोर में कंपनी की पहली सिगरेट फैक्ट्री बनकर तैयार हुई, और इंडिया में सिगरेट की लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हो गई। सिगरेट फैक्ट्री से बनके इंडिया और दूसरी ब्रिटिश कॉलोनी में एक्सपोर्ट होने लगी। विल्स नेवी कट, गोल्डन फ्लेक्स और सीजर सिगरेट्स उनके शुरुआती ब्रांड थे। 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू होने के बाद सिगरेट की प्रोडक्शन और कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। आर्मी और गवर्नमेंट अपने ऑफिसर का मोराल बढ़ाने के लिए सिगरेट का यूज़ करते थे। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी सिगरेट और दूसरे टोबैको प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती रही। धीरे धीरे सिगरेट पावर और स्टेटस का सिंबल बन गई। 1925 में कंपनी ने दूसरे सेक्टर को भी एक्सप्लोर करना शुरू किया, और पैकेजिंग और प्रिंटिंग बिजनेस को सेटअप किया। वो सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और प्रिंटिंग खुद कर सकते थे। ये स्टेप कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुआ, और कंपनी ने हाई ग्रोथ रेट से ग्रो करना शुरू कर दिया। 24 अगस्त 1926 में कंपनी के 16th बर्थडे पर उन्होंने 37 चौरिंगी रोड कोलकाता में तब के 3,10,000 रुपये में एक प्लॉट लिया, जहां दो साल बाद 1928 में आईटीसी का हेडक्वार्टर वर्जीनिया हाउस बना। 1935 में अपनी कंपनी को और बड़ा करने के लिए उन्होंने कोलकाता के पास किद्दरपुर नाम की एक जगह में किरायरस टोबैको कंपनी की फैक्ट्री को खरीद लिया। सिगरेट बनाने के लिए उन्होंने टिश्यू पेपर को दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की बजाय इंडिया में ही एक 1946 में फैक्ट्री सेटअप की, जिससे टिश्यू पेपर की कॉस्ट बहुत कम हो गई। 1953 में उन्होंने दूसरे सिगरेट और प्रिंटिंग बिजनेस को खरीदा। इंडिया की आज़ादी के बाद इंपीरियल टोबैको कंपनी लिमिटेड का इंडियनाइजेशन होना शुरू हो गया, और 27 अक्टूबर 1954 में कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो गई। उसी साल कंपनी की टोटल इंडियन शेयर होल्डिंग 6% तक पहुंच गई। इंडिपेंडेंट इंडिया की कंज्यूमर डिमांड्स को समझने के लिए वो इंडिया की पहली कंपनी बनी जिसने उस टाइम कंज्यूमर रिसर्च को शुरू किया। 1960s में उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाया, और 1969 में कंपनी के पहले इंडियन चेयरमैन बने अजित नारायण हास्कर, जिन्होंने कंपनी के नाम को इंपीरियल टोबैको कंपनी से इंडिया टोबैको कंपनी में बदल दिया, और कंपनी में इंडियन शेयर होल्डिंग बढ़ने लगी। 1970s में कंपनी में बड़े बड़े बदलाव होने शुरू हुए। उन्होंने इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग को शुरू किया। 1973 बेंगलोर में नए बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट को सेटअप किया गया। 1974 में कंपनी का नाम दोबारा चेंज होके इंडिया टोबैको कंपनी की शॉर्ट फॉर्म यानी आईटीसी लिमिटेड हो गया, और इसी के साथ कंपनी की टोटल इंडियन शेयर होल्डिंग 40% तक पहुंच गई। में चेन्नई के होटल को खरीद के
ITC वेलकम ग्रुप होटल चोला के नाम से उन्होंने होटल इंडस्ट्री में एंट्री करी और तब से लेकर आज इंडिया में ITC के 100 से ज़्यादा होटल्स हैं जो 4 ब्रांड नेम्स में डिवाइडेड हैं, लग्जरी कलेक्शन, वेलकम होटल्स, फॉर्च्यून होटल्स और वेलकम हेरिटेज। हाल ही में ITC ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए कोलंबो श्रीलंका में ITC 5 स्टार सुपर लग्जरी होटल की कंस्ट्रक्शन शुरू करी जिसकी एस्टिमेटेड ओपनिंग है ईयर 2022। 1976 में कंपनी में टोटल इंडियन शेयर होल्डिंग बढ़ के 60% तक पहुंच गई। अब उन्होंने पेपर और पेपर बोर्ड इंडस्ट्री में एंट्री लेनी शुरू कर दी थी। 1979 में ITC ने ITC भद्रचलम पेपर बोर्ड लिमिटेड की शुरुआत करके पेपर बोर्ड इंडस्ट्री में एंट्री ली। JN सप्रू 1983 में ITC लिमिटेड के दूसरे इंडियन चेयरमैन बने। उनकी चेयरमैनशिप में ITC ने 1985 में सूर्य नेपाल प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर करके इंटरनेशनल एक्सपेंशन किया। 1986 में न्यूयॉर्क सिटी में ITC ने इंडियन रेस्टोरेंट खोला। आने वाले सालों में उन्होंने होटल विश्वकर्मा को एक्वायर किया और नए बिजनेस वेंचर्स को स्टार्ट किया। 1988 में सनड्रॉप ब्रांड के नाम से उन्होंने एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में एंट्री ली और 1989 में त्रिबेनी टिश्यू लिमिटेड को एक्वायर किया। अब 1990s की शुरुआत में कंपनी के नए चेयरमैन बने KL चुग और इनकी चेयरमैनशिप में ITC ग्लोबल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 1992 सिंगापुर में इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की। 1994 में सारी होटल कंपनीज को लिस्टेड ITC होटल लिमिटेड के नाम से एक ग्रुप में मर्ज कर लिया। 1996 में कंपनी के चेयरमैन बने योगेश चंद्र देवेश्वर। इनके अंडर कंपनी में काफ़ी बड़े बदलाव आए। कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए पूरी गवर्नेंस सिस्टम को चेंज किया गया। हर्षद मेहता स्कैम की वजह से कंपनी के कुछ सेक्टर की परफॉर्मेंस लगातार गिर रही थी। इस वजह से 1998 में ITC ने एडिबल ऑयल और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से एग्जिट कर लिया। ITC क्लासिक फाइनेंस लिमिटेड को ICICI लिमिटेड को बेच दिया गया और सनड्रॉप ब्रांड को एक अमेरिकन फूड कंपनी ओनेग्रा फूड लिमिटेड को बेच दिया गया। सन 2000 में ITC ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में एंट्री लेकर ITC इंफोटेक इंडिया लिमिटेड की शुरुआत की और बिजनेस में नए अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए अमेरिकन कंपनी कॉम्पैक्ट कंप्यूटर लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ई चौपाल प्रोजेक्ट को भी शुरू किया जो किसानों को इंटरनेट से जोड़ने का काम करती थी। उसी साल ITC ने व्हील्स स्पोर्ट्सवेयर के नाम से कैजुअल क्लोथिंग और क्लासमेट स्टेशनरी की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। 2002 से 2010 के बीच 8 सालों में ITC ने बहुत से नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया। आशीर्वाद आटा, एक्सप्रेशन पेपर क्राफ्ट, ITC सॉल्ट, मंगलदीप अगरबत्ती, एम सेफ्टी मैचेस, धूपबत्ती, सनफीस्ट बिस्किट्स, विवेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंगेज डिओडोरेंट्स, कैंडीमैन, बिंगो चिप्स, यिप्पी नूडल्स और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जो लगातार मार्केट में हिट रहे। इन सालों में ITC का टोटल रेवेन्यू 3% होटल बिजनेस से आया। लगभग 35% सिगरेट्स, 22% पैकेज फूड्स और बाकी का दूसरे FMCG प्रोडक्ट से आया। तो ये थी ITC लिमिटेड की 100 सालों की स्टोरी, एक छोटी सी टोबैको कंपनी से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक बनने की। ITC लिमिटेड ने अपनी शुरुआत से लेकर आज तक बहुत से बिजनेस को सेटअप किया और ज़्यादातर को आज तक सक्सेसफुली मेंटेन भी कर रही है। ITC लिमिटेड बहुत पुरानी और बहुत बड़ी कंपनी है जिसके बारे में बताने को इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। 2010 से आज 2021 तक ITC लिमिटेड ने बहुत से चेंजेस किए हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आने वाली और वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।